नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कई बार हम ये बात बता चुके हैं कि भारत अब वो भारत नहीं कि अगर दुश्मन वार करें तो भारत हाथ जोड़े। अब भारत एक अलग तरह का भारत जो दुश्मन के हमला करने से पहले दुश्मन को खत्म करने की हिम्मत रखता। इसके साथ ही साथ भारत का ये भी कहना है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही गलवान से सबक लेते हुए भारत अब आत्मनिर्भर भारत के तहत कई तरह के खतरनाक मिसाइल्स, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत बना रहा, जिसकी जानकारी समय समय पर हम आपको देते रहते हैं। उसी कड़ी में भारत ने टैंकों को नष्ट करने के लिए एक नए मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया। खबरों की माने तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1,188 करोड़ रुपए की लागत से 4,960 टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ करार किया। रक्षा मंत्रालय की माने तो ये मिसाइलें 1,850 मीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम और इन्हें विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि पिछले कुछ महीनों में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई खरीद परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो BDL इन मिसाइलों को फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी MBDA मिसाइल सिस्टम से मिले लाइसेंस के तहत बना रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इस खतरनाक हथियार के मिलने से तीनों सेनाओं की कितनी ताकत बढ़ेगी और इसका क्या रिजल्ट होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बात बताते चलें कि भारत की ताकत और भारत की सख्ती से पाकिस्तान की हेकड़ी ढीली पड़ी। अब बाजवा और इमरान खान दोनों बातचीत के लिए तैयार। जानकारों की माने तो भारत का दबाव और विश्व में भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि ये हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास आ रहे खतरनाक हथियारों से दुश्मन क्यों कांप रहा है और क्यों समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है।